ये है LRF, इसका पूरा और सही नॉमेनक्लेचर है रेंज फाइंडर लेजर हैंड हेल्ड LH-30। यह आला भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे के द्वारा बनाया गया है। LRF की इस CBT को आपकी सहूलियत के लिए 5 भागों में बांटा गया है। इंट्रोडक्शन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, एक्सेसरीज, रेंज निकालने का तरीका, मेंटेनेंस के लिए हिदायतें। परिचय, रेंज फाइंडर लेजर हैंडहेल्ड LH-30 LRF एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। यह इन्फेंट्री के जवानों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। इससे 80 मीटर से लेकर के 20 किलोमीटर तक के टारगेट्स की रेंज को मालूम किया जा सकता है। इस रेंज फाइंडर में से एक इंफ्रारेड लाइट की पल्स टारगेट की तरफ ट्रांसमिट की जाती है। यह लाइट टारगेट से टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। जितने समय में यह लाइट वापस रिसीव की जाती है उसके हिसाब से टारगेट का रेंज कैलकुलेट किया जाता है और LRF की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, रेंज, इस रेंज फाइंडर से 20 किलोमीटर दूर यानी कि 20,000 मीटर तक का रेंज मालूम किया जा सकता है और कम से कम 80 मीटर दूर टारगेट्स का रेंज मालूम किया जा सकता है। एक्यूरेसी, इस रेंज फाइंडर की एक्यूरेसी प्लस माइनस 5 मीटर है, यानी कि किसी भी टारगेट की रेंज मालूम करने में 5 मीटर की गलती प्लस या माइनस में हो सकती है। मेजरिंग फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल, एक शॉट प्रति 6 सेकंड के लिए। ड्यूटी साइकिल, एक शॉट प्रति 6 सेकंड 2 मिनट के लिए और इसके बाद एक शॉट प्रति 2 मिनट 8 मिनट तक के लिए। 6 सेकंड वह समय है जो आपके पावर स्विच दबाने से लेकर के टारगेट का रेंज मालूम होने तक लगता है। इसमें लगने वाला समय के अंदर पावर स्विच से सिस्टम ऑन होना, रेंज स्विच के दबाने से लेजर का टारगेट की ओर जाना और टकराकर वापस आना, फिर सिस्टम का लेजर के लौटने वाले समय के हिसाब से रेंज का निकालना, रेंज का LED स्क्रीन पर डिस्प्ले होना और फिर सिस्टम का ऑफ होना होता है। इस कार्रवाई में तकरीबन 6 सेकंड का समय लगता है। आमतौर पर रेंज निकालते वक्त हम नॉर्मल तरीके से ही काम करते हैं। यदि रेंज निकालने की कार्रवाई किसी ऑपरेशन के दौरान की जाएगी, जबकि दिए हुए सभी टारगेट का रेंज दिए हुए समय में ही निकालना हो, तब ड्यूटी साइकिल के तरीके से काम करते हैं। ड्यूटी साइकिल वह स्पीड या फ्रीक्वेंसी होती है जिससे ज़्यादा स्पीड पर काम नहीं कर सकते और यदि करेंगे तो टारगेट का रेंज गलत मालूम होगा। डिस्क्रिमिनेशन, यह 50 मीटर के अंदर अंदर हर टारगेट का रेंज सेम ही बताएगा। फील्ड ऑफ व्यू, इस रेंज फाइंडर के टेलीस्कोप से देखते समय इसका फील्ड ऑफ व्यू 6 डिग्री होता है और इसका टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन 6 गुना होता है। बैटरी, यह आला एक 12 वोल्ट की निकल कैडमियम बैटरी पर काम करता है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर, इस रेंज फाइंडर को ऑपरेट करने के लिए कम से कम -20 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 65 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। स्टोरेज टेम्परेचर, अगर इस रेंज फाइंडर को लंबे समय के लिए स्टोर करके रखना हो तो टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से +70 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होना चाहिए। एक्सेसरीज, बैटरी चार्जर, यह है चार्जर बैटरी जो कि निकल कैडमियम रिचार्जेबल 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के काम आता है। इसके हिस्से पुर्जे।
नॉर्मल ऑफ फास्ट स्विच। पावर एलईडी। केबल हार्नेस वन। केबल हार्नेस टू। चार्जिंग वन और चार्जिंग टू एलईडीज। यह है एसी अडैप्टर। इसके हिस्से पुर्जे ऑन ऑफ स्विच, फ्यूज 100 मिली एम्पियर, केस नायलॉन। यह एक वाटरप्रूफ कैनवस का बैग है जो कि एलआरएफ को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के काम आता है। केस कैरिंग एलआरएफ। यह एक एफआरपी का बना बॉक्स है जो कि एलआरएफ को रखने के काम आता है। केस कैरिंग एक्सेसरीज। यह भी एक एफआरपी का बना हुआ ही बॉक्स है जो कि एलआरएफ के साथ एक्सेसरीज को रखने के काम आता है। क्लीनिंग किट। लेंस पेपर बुक सॉ शीट, डोमेस्टिक कंपाउंड ट्यूब, ब्रश डस्टिंग, रेंज फाइंडर लेजर हैंडहेल्ड। यह तीनों चीजें एलआरएफ को साफ करने के काम आती हैं। ट्राइपॉड स्टैंड। इसके ऊपर माउंटिंग ब्रैकेट की मदद से एलआरएफ को माउंट किया जाता है। ट्राइपॉड स्टैंड के जरिए एलआरएफ को हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल हरकत दे सकते हैं और लंबी रेंज पर टारगेट्स की रेंज निकालने में यह ट्राइपॉड हमारी मदद देता है। रेन प्रूफ कैरिंग बैग। यह बैग ट्राइपॉड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के काम आता है। माउंटिंग ब्रैकेट। इस ब्रैकेट की मदद से हम ट्राइपॉड के ऊपर एलआरएफ को माउंट करते हैं। कैरिंग स्ट्रैप। रेंज फाइंडर लेजर के जरूरी हिस्से पुर्जे इस प्रकार से हैं। पावर स्विच। पावर स्विच। बैटरी कैप। आईपीस। रिमोट डिस्प्ले कनेक्टर। ब्राउ पैड। ग्रैटिकुल पैटर्न। इस समय आप जो ग्रैटिकुल पैटर्न देख रहे हैं उसके बीच में जो सर्कल है उसे एमिंग सर्कल कहते हैं। जिस भी टारगेट का रेंज निकालना हो उसे इसी सर्कल के अंदर लेकर के रेंज स्विच को दबाया जाता है। साथ ही आप एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन भी देख सकते हैं जिस पर 10, 20, 30, 40 और 50 की मार्किंग है और इनके बीच एक छोटी लाइन भी है।
किसी भी दो मार्किंग की दूरी जमीन पर 10 मिल्स को जाहिर करती है। इसका इस्तेमाल ठीक उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से बायनोक्युलर के साथ किया जाता है। रेंज निकालने का तरीका। सबसे पहले ट्राइपॉड स्टैंड के लेग एडजस्टिंग स्क्रूज को खोल करके ट्राइपॉड की हाइट को एडजस्ट करें। लेग एडजस्टिंग स्क्रूज को टाइट कर दें तथा ट्राइपॉड लेग्स को खोलें। ट्राइपॉड की एक लेग टारगेट की सिधाई पर रखें, साथ ही ट्राइपॉड को समतल जमीन पर रखें। इसके बाद माउंटिंग ब्रैकेट को ट्राइपॉड पर घड़ी के रुख में घुमाते हुए माउंट कर दें। LRF को ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर माउंट करके माउंटिंग ब्रैकेट पर लगे लॉकिंग स्क्रू को LRF पर कस दें। फ्रंट साइड चैनल और ट्रांसमीटर विंडो के आगे से लेंस कवर को ऊपर की तरफ उठा दें। आईपीस को अपने हिसाब से डायोप्टर सेटिंग रिंग की मदद से सेट कर लें। आईपीस के द्वारा LRF को टारगेट के लगभग दिशा में ले जाएं। LRF पे बने पावर स्विच को दबाएं और तब तक दबाकर रखें जब तक डिजिटल डिस्प्ले के दाहिनी साइड पर ग्रीन LED ऑन नहीं हो जाती। अभी से लेकर के रेंज मेजरमेंट हो जाने तक पावर स्विच को दबाकर रखा जाए। अभी LRF को टारगेट पर एम करें। यकीन करें कि गैटिकुल पैटर्न में बना एमिंग सर्कल टारगेट के मध्य में हो। यह हो जाने के बाद रेंज स्विच को दबाएं और रिलीज करें। डिस्प्ले यूनिट पर रेंज को पढ़ें। रेंज नजदीक में डिस्प्ले होगा। अगर एक से ज्यादा किरणें वापस रिसीव हो जाती हैं तो डिस्प्ले में पहली और दूसरी रेंज डिस्प्ले होती है। रेंज तकरीबन 3 सेकंड तक डिस्प्ले रहती है। अगर डिस्प्ले यूनिट पर कोई रेंज डिस्प्ले नहीं होती तो इसका मतलब है कि या तो टारगेट 80 मीटर से कम दूरी पर था, या 20,000 मीटर से ज़्यादा की दूरी पर है, या फिर टारगेट की रिफ्लेक्टिविटी इतनी कम है कि इसमें किरणें वापस रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पा रही। अगर रेंज निकालते समय कोई एरर होता है तो डिस्प्ले में 8, 8, 8, 8, 8 इस प्रकार का नंबर डिस्प्ले होता है। रेंज पढ़ लेने के बाद रेंज स्विच को रिलीज कर दिया जाए। मेंटेनेंस के लिए हिदायतें। बैटरी चेंज करने का तरीका। बैटरी कैप को घड़ी के रुख में घुमाते हुए खोल दें। बैटरी कंपार्टमेंट में से बैटरी को बाहर निकाल दें। बैटरी को चार्ज कर लें। यदि बैटरी चार्ज ना हो रही हो तो बैटरी को चेंज कर लिया जाए। अब बैटरी का पॉजिटिव सिरा बैटरी कंपार्टमेंट की तरफ रखते हुए बैटरी को बैटरी कंपार्टमेंट में दाखिल कर दें। बैटरी कैप को वापस अपनी जगह कस दें। वीकली रूटीन। ग्लास सर्फेसेस और बैटरी टर्मिनल्स को साफ किया जाए। मंथली रूटीन। बैटरी की वोल्टेज को चेक किया जाए
और अगर जरूरत हो तो बैटरी को चार्ज भी किया जाए। अगर LRF में कोई भी फिजिकल डैमेज या मैल फंक्शनिंग हो जाता है तो उसको नोट किया जाए और उसकी रिपोर्ट भी दी जाए। नोट: ग्लास सरफेस को सिर्फ ब्रश और लेंस क्लीनिंग टिश्यू के द्वारा ही साफ किया जाए। कभी भी ग्लास को रुमाल या किसी अन्य कपड़े से साफ नहीं किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से ग्लास पर स्क्रैच लग सकते हैं। यदि जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। जल्दी से लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे दोस्तों। बाय बाय।